नमस्कार दोस्तों, इतिहासकोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रबोधन और आधुनिक विचार के इस मॉड्यूल में आज हम बात करेंगे प्रबोधन युग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक जॉन जाक रूसो के बारे में। रूसो ने अपने समय के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चुनौती दी, जिसकी वजह से उन्हें सामाजिक बहिष्कार और एग्जाइल भी झेलना पड़ा। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। परिचय। जॉन-जाक रूसो 1712 से 1778 एक स्विस फ्रेंच फिलोसोफर और लेखक थे जो प्रबोधन काल के एक महत्वपूर्ण थिंकर थे। उनका जन्म जेनेवा में हुआ था और उनका जीवन मुश्किलों और संघर्षों से भरा रहा था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिली सहित रूसो के प्रभावशाली वर्क्स ने पॉलिटिकल फिलॉसफी और एजुकेशन की थ्योरी पर गहराई से रिसर्च किया। उन्होंने समाज में करप्शन फैलने से पहले मानवता की जन्मजात अच्छाई का दावा करते हुए नोबल सैवेज का विचार दिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए रूसो की वकालत ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को काफी इम्पैक्ट किया। उनके विचारों ने लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए नींव तैयार की और बाद में फिलॉसफर्स को इंस्पायर भी किया। अपने इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के बावजूद रूसो ने आलोचना का सामना किया और वे अपने जीवन के अधिकांश समय एग्जाइल में ही रहे। स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक रैडिकल विजन प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि नेचर की शुरुआती हाइपोथेटिकल या काल्पनिक सिचुएशन में लोगों ने एक कलेक्टिव विल या सामूहिक इरादा बनाने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया और एक राजनैतिक सत्ता का निर्माण किया। इस विचार ने उस समय के पॉपुलर व्यूज को चुनौती दी और डेमोक्रेटिक थ्योरी या लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए आधार तैयार किया। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत यह सोचने का एक तरीका है कि समाजों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में रूसो ये मानते थे कि लोगों को मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत सरकार बनानी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट या समझौता एक सोसाइटी बनाने के लिए व्यक्तियों के बीच ऐसी आपसी सहमति है जिससे सभी को लाभ हो। यहां हम अभी तक यूज्ड एक्सप्रेशंस को और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर या प्रकृति की स्थिति। रूसो ने एक प्रकृति की स्थिति की कल्पना की जहां लोग फॉर्मल गवर्नमेंट्स के बिना रहते थे। इस राज्य में सभी के पास इंडिविजुअल फ्रीडम तो थी, लेकिन जीवन अनसर्टेन और चैलेंजिंग था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोग आपस में एक सामाजिक समझौता करते हैं। इसका मतलब है कि वे एक ऐसी सरकार बनाने के लिए सहमत होते हैं जो शांति स्थापित करेगी तथा सुरक्षा और नियमों को लागू करेगी। सामूहिक इरादा या जनरल विल। रूसो ने लोगों के सामूहिक इरादे के विचार पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कॉमन गुड, यानी जो पूरे समुदाय के लिए सबसे अच्छा है। कानूनों को इस साझा इरादे या जनरल विल के अनुसार बनाया जाना चाहिए और सभी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए। सही मायनों में जनरल विल का सिद्धांत एक पॉलिटिकल सोसाइटी की साझा इच्छाओं का कलेक्टिव एक्सप्रेशन था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रूसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप पसंद किया जहां प्रतिनिधियों को अपने अधिकार सौंपने की बजाय नागरिक एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं। उनका मानना था कि ये इंश्योर करेगा कि कानून वास्तव में साझा इरादे को रिफ्लेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए एक आइलैंड पर रहने वाले लोगों के एक छोटे से समूह की कल्पना करें। शुरुआत में वे स्वतंत्रता का आनंद तो लेते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी और आपसी विवादों जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए वे एक ऐसा सिस्टम बनाने का निर्णय लेते हैं जहां सभी लोग नियम बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं जो सभी को बेनिफिट करते हैं। ये समझौता उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध है, और वे जो नियम बनाते हैं वे उनकी जनरल विल या साझा इरादे का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रूसो के विचार प्रबोधन की विचारधारा का हिस्सा थे, एक ऐसा समय जब विचारक तर्क, इंडिविजुअल राइट्स और प्रगति में विश्वास करते थे। उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने राजाओं की एब्सोल्यूट पावर को चुनौती दी और जनता की सहमति से बनी सरकार की प्रशंसा की। ये धारणा बाद में लोकतांत्रिक आंदोलनों यानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और संविधानों को प्रभावित करती रही, जिसमें लोगों द्वारा अपने शासन में एक्टिवली भाग लेने के महत्व पर बल दिया गया। प्राकृतिक अच्छाई और महान बर्बरता। रूसो का नोबल सैवेज या महान बर्बर का विचार एक सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया है। बुनियादी शब्दों में उन्होंने कल्पना की कि अपनी एग्जिस्टेंस के शुरुआती फेजेस में, जब जटिल समाजों और सभ्यताओं का नामो निशान भी नहीं था, लोग महान बर्बर या नोबल सैवेजेस की तरह रहते थे। यहां हम एक बार फिर अभी तक यूज्ड कुछ एक्सप्रेशंस का सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेचुरल गुडनेस या प्राकृतिक अच्छाई। रूसो के अनुसार अपने नेचुरल स्टेट में लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे, स्वतंत्र और समाज के इन्फ्लुएंस से अछूते थे। सादगी और मासूमियत। नोबल सैवेजेस या महान बर्बर समाज के आर्टिफिशियल नॉर्म्स और नियमों के बिना नेचर के करीब एक सरल जीवन जीते थे। इस सादगी ने उन्हें मासूम और सरल स्वभाव वाला बना दिया। नेचर के साथ हार्मनी। रूसो का मानना था कि इस शुरुआती दौर में लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे, जिसमें बाद की ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटीज में उभरने वाली बुराइयों और असमानताओं का अभाव था। उदाहरण के लिए एक दूरदराज के जंगल में रहने वाले लोगों के एक समूह की कल्पना करें। वे शांति से मिलजुल कर रहते हैं, बहुत सारे नियमों की आवश्यकता के बिना रिसोर्सेज का मिलकर उपयोग करते हैं। वे प्रकृति से जुड़े हैं और उनकी बातचीत सादगी और आपसी सम्मान पर बेस्ड है। यह उस तरह का समाज है जिसकी रूसो ने नोबल सैवेज के रूप में कल्पना की है। रूसो की नोबल सैवेज की अवधारणा ने अपने समय के दौरान मानव प्रकृति यानी ह्यूमन नेचर और समाज के बारे में प्रचलित विचारों को चुनौती दी। इसने सुझाव दिया कि समाज में प्रॉब्लम्स और करप्शन मानव के मौलिक यानी ओरिजिनल नेचर का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये समय के साथ उभरने वाले सामाजिक ढांचों और इंस्टीट्यूशंस की वजह से बढ़ते चले गए। इस विचार का प्रबोधन की सोच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इसने मानव प्रकृति और सामाजिक सुधार के पोटेंशियल पर बाद की चर्चाओं को प्रभावित किया। एमिली और शिक्षा। एमिली और ऑन एडुकेशन, जो 1762 में प्रकाशित हुई थी, में रूसो ने शिक्षा के संदर्भ में एक शानदार दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों पर केंद्रित अप्रोच की वकालत की, जिसमें नेचुरल डेवलपमेंट और अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाए। शिक्षा के बारे में रूसो के अपने अलग विचार थे और वे प्रबोधन के दौरान मानव प्रकृति और समाज के बारे में उनके ब्रॉडर आइडियाज से गहराई से जुड़े हुए थे। सरल शब्दों में रूसो का मानना था कि शिक्षा को व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअलिटी का पोषण करना चाहिए और नेचुरल डेवलपमेंट में सहायता करनी चाहिए। रूसो ने बहुत सारे नियमों या प्रतिबंधों को लागू किए बिना बच्चों को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की नेचुरल हॉबीज या इंक्लिनेशंस के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने माना कि शिक्षा के लिए स्ट्रिक्ट फॉर्मल एडुकेशन की बजाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी प्रत्यक्ष अनुभव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रूसो समाज के अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना एक बच्चे को नेचुरल और इंडिपेंडेंट रूप से विकसित करने के प्रयासों के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि शिक्षा बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, जहां उन्हें अपने पेस पर सीखने और समझने की छूट होनी चाहिए। रूसो का सुझाव है कि शिक्षा को समाज द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स को लागू करने के बजाय एक बच्चे की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स यानी रुचियों और एबिलिटीज यानी क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए। रूसो लोगों पर समाज के भ्रष्ट प्रभाव की आलोचना करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एडुकेशन जैसी उनके समय में थी, अक्सर मानवीय स्वभाव को बनावटी बना देती है और इंसान की अंदरूनी अच्छाई को दबा देती है। प्रबोधन काल में विचारक तर्क और समझ का उपयोग समाज को सुधारने के लिए करना चाहते थे। शिक्षा पर रूसो के विचार रेलेवेंट थे क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल कठोर एजुकेशन सिस्टम को चुनौती दी थी। उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट और अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देना प्रबोधन की ह्यूमन एबिलिटीज और इस विचार को दर्शाता है कि लोग सही माहौल मिलने पर और भी बेहतर हो सकते हैं। रूसो की एजुकेशनल फिलॉसफी ने बाद में एजुकेशनल रिफॉर्मर्स को प्रभावित किया और सीखने के लिए बच्चों पर केंद्रित और प्रगतिशील सोच के विकास में योगदान दिया। असमानता और अलगाव की समीक्षा। रूसो की रिसर्च डिस्कोर्स ऑन द ऑरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, जो 1755 में प्रकाशित हुई थी, ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक असमानता की आलोचना की। उन्होंने यह भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और सामाजिक संस्थान असमानता और अलगाव बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं। ये आलोचनाएं 19वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों के बारे में होने वाली चर्चाओं में बार बार सुनाई देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले सेशंस में हम प्रबोधन से जुड़े कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के मेंस के हिस्ट्री सिलेबस का हिस्सा हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।